फोर देखिए, कह रहा है किसी चतुर्भुज के शीर्ष क्रम से ये दिए गए 4.5, 7.6, 4.3, 1.2। तो चतुर्भुज का सन्निकट प्रकार बताइए, सटीक प्रकार सॉरी, मतलब कि वो चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है ये आपको बताना है। तो मान लेते हैं, मान ए 4.5, बी 7.6, सी 4.3 और डी 1.2 चतुर्भुज के शीर्ष है, चतुर्भुज के शीर्ष है। अच्छा, जब ये चतुर्भुज के शीर्ष दिए हुए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, चारों भुजाओं की लंबाई और विकर्ण निकालेंगे तो पता चल जाएगा। चलिए दूरी सूत्र से एक एक करके ए भी निकालिए पहले। 7 - 4 का स्क्वायर + 6 - 5 का स्क्वायर। यहाँ देखो घटेगा तो घटेगा तो आपका 3 और 3 का स्क्वायर 9, यहाँ घटेगा 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि √10। चलिए अब बी सी निकालता हूँ, बी सी हो जाएगा आपका 4 - 7 का स्क्वायर और +3 - 6 का स्क्वायर। यहाँ देखो घटेगा -3 - 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और यहाँ भी -3, 3 का स्क्वायर 9, √18, यानी कि आ जाएगा यहाँ 3√2। चलिए बी सी निकल गया। अच्छा अब निकालते हैं हम लोग सी डी, चलिए सी डी निकालते हैं, हो जाएगा आपका 1 - 4 का स्क्वायर और +2 - 3 का स्क्वायर। यहाँ देखो घटेगा -3 का स्क्वायर + 9, यहाँ -1 का स्क्वायर 1, √10। चलिए अब ए डी निकालते हैं, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा आपका 1 - 4 का स्क्वायर और +2 - 5 का स्क्वायर, घटेगा -3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी देखो -3, -3 का स्क्वायर 9। चलिए यानी आ जाएगा √18, यानी 3√2। तो यहाँ देख रहे हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, तो ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी। तो आमने सामने की भुजा बराबर तो आपका आयत में भी होता है, समांतर चतुर्भुज में भी होता है, लेकिन अब विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण से पता चलेगा फाइनल। ए सी, ए सी क्या हो जाएगा, तो 4 - 4 का स्क्वायर और +3 - 5 का स्क्वायर। यहाँ देखो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, और यहाँ -2 का स्क्वायर आपका +4, √4 का वैल्यू यानी 2। अब मैं यहाँ पे ए सी हो गया, अब बी डी निकालता हूँ, ठीक है, चलिए बी डी निकालते हैं। तो बी डी के लिए हो जाएगा आपका 1 - 7 का स्क्वायर और +2 - 6 का स्क्वायर। चलिए देखते हैं, यहाँ यह घटेगा तो घटेगा तो आपका 6 - 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ -4 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। दोनों को जोड़ देते हैं तो √52। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, विकर्ण बराबर नहीं है, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। तो आमने सामने की भुजा बराबर, विकर्ण बराबर नहीं है, अतः ए बी सी डी, ए बी सी डी एक एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। चलिए ये सब हम लोग बना चुके हैं, लेकिन दोबारा दिया है, मैं बता दे रहा हूँ क्या दिक्कत है उसे। चलते अगले क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन